सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। परमात्मा को पाना है, लेकिन बिना भक्ति, बिना ज्ञान और बिना वैराग्य के ना आज तक किसी ने पाया, ना कोई पा सकता। तुम कुछ छोड़ना चाहते नहीं और विराट को पकड़ना चाहते हो। उसको पकड़ने के लिए तुम्हें वो छोड़ना पड़ेगा जो तुच्छ है। एक बहुत बड़ा सा कक्ष और उसके बाहर एक छोटा सा ताला, और उस ताले से भी छोटी उसकी की, चाबी, कुंजी। वो कमरा बहुत बड़ा है, वो दरवाजा उससे छोटा है, लेकिन अंदर प्रवेश करेंगे तो एक विराट कक्ष होगा वहां। लेकिन हमारे पास जो की है, हमारे पास जो चाबी है, जो कुंजी है, जब तक हम उसमें नहीं डाल के उसको खोलेंगे नहीं, वो उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको हटाएंगे नहीं, उस तुच्छ को जो ताला लगा है, जैसे ही वो हटेगा विराट खुलेगा। और कहीं ना कहीं हम तुच्छ को त्यागना नहीं चाहते, तुच्छ के मोह में पड़े और विराट को प्राप्ति करने की इच्छा जागृत कर बैठे हैं। ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है, हो ही नहीं सकता, ना हुआ है और ना कभी होगा, न भूतो न भविष्यति। क्योंकि उसका जो सिद्धांत है सबके लिए बराबर है। और सिर्फ इस ब्रह्मांड की बात नहीं है, जितने अनेकों करोड़ों अरबों कोटि कोटि ब्रह्मांडों का वो रचयिता है, वहां सब यही नियम कार्य कर रहे हैं। क्योंकि उसका नियम नहीं बदलता, नियम हमारे और आपके रोज बदलते हैं, प्रतिपल बदलते हैं, उसका नियम नहीं बदलता। ज्योतिष कैलेंडर्स बनाने वाले लोगों को मालूम है कौन सी तिथि कब कैसे सूर्य कहां आएगा, चंद्रमा कहां आएगा। आज नहीं, उनसे 10 साल बाद की गणना करवा लीजिए, 100 साल बाद की गणना करवा, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि परमात्मा का नियम नहीं बदलेगा, न बदला आज तक। लेकिन कोई व्यक्ति अपने पूरे दिन के घटनाक्रम को नहीं लिख के दे सकता कि मैं ऐसे पूरे दिन एक्ट करूं, वो श्योर ही नहीं है उस बात के ऊपर, उसको मालूम ही नहीं है, क्योंकि उसको वो कई जगह से जुड़ा है। तो अपने लिए हो सकता है, अपने लिए नियम बना ले, पर थोड़ी देर बाद उसका बेटा कुछ बोल दे, नियम चेंज हो जाएगा। उसकी पत्नी कुछ बोल दे, नियम चेंज हो जाएगा। पड़ोसी का फोन आ जाए, दोस्त का फोन आ जाए, फैक्ट्री से फोन आ जाए, दुकान से फोन आ जाए, नौकरी से फोन आ जाए, लेकिन उसका नियम कभी नहीं बदलता। अब बस यही हमें जानना है। तो जीवन में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ने जिसने इन तीनों को तपा लिया, शास्त्र जैसे कहता है वैसे, उसके जीवन में चौथे दिवस पे हृदय में गोविंद प्रकट हो सकते हैं और होते हैं। ये प्राकट्य साधारण भी है, असाधारण भी है।